आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी फटी एड़ियों को रिपेयर कर सकते हैं होममेड रेमेडीज की मदद से। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फटी एड़ियां हमें काफी परेशान करती है और ये प्रॉब्लम जब बढ़ जाती है तो इससे ब्लीडिंग भी होती है और उसकी वजह से दर्द भी होता है और दोस्तों ये देखने में अच्छी भी नहीं लगती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए आज हम एक होम रेमेडी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस होम रेमेडी को बनाने के लिए हमें 50 ml सरसों का तेल लेना होगा और उसे गर्म करने के लिए बैठा देना होगा। तेल में जब उबाल आ जाए तब आपको 25 ग्राम मोम को धीरे धीरे इसमें मिक्स करना होगा। दोस्तों, मोम आपको पूजा की सामग्री जहाँ पर मिलती है वहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मोम जब गल के तेल के साथ मिक्स हो जाएगा तब आप इसको आंच से हटा दीजिए और इसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए। जब ये मिक्सचर हल्का गर्म रहेगा तब 5 ग्राम कर्पूर को आपको इसमें धीरे धीरे देकर अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। तो दोस्तों, अब तो सिंपल है, आपकी दवाई तैयार है। तो आप इसे सोने से पहले अपने पैरों में अच्छी तरह से लगा लीजिए और सो जाइए। आप देखेंगे कि आपको पहले दिन से ही आराम मिल रहा है। तो जाते जाते ये दो वीडियोस की लिंक मैं देके जा रही हूँ, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय।